तैयार हूँ, मतलब आप तैयार है उसमें समाज का सहयोग चाहिए, मेरे भी आप में आप समाज से बात कर सकते हैं, मैं राइट और राइट। आप हर जाति से, हर व्यक्ति से, हिंदुस्तान के, विदेश से बात करिए। हाँ, आप ले रहे हो ना, विदेशी तो एंटी के हिसाब से बात कर, अपने यहाँ के लोग धर्म के हिसाब से। नहीं सर, मैं आपके बिहाफ पर करिए छत्तीस कॉम से बात करूँगा, खुली होता है आपके बिहाफ पे, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है, जो ऐसी अथॉरिटीज है, उन जो सिरोही के हेरिटेज महत्व को समझती है, उनसे मैं बात करूँगा। कि सिरोही सानी सिटी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसका डेवलपमेंट काशी करी विश्वनाथ और उज्जैन के तौर पे होना चाहिए। इसके लिए दरबार साहब ने मुझे परमिशन दी है कि आई कैन टॉक। अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन दरबार साहब भी मिल जाएंगे, मौके पर भी ले जाएंगे, सब चीज करेंगे। बस अब आप सब सिरोही जिले के सपूत हैं और जिले के लिए बहुत कार्य करते हैं। आज जिले के आराध्य सानेश्वर महादेव के जीर्णोद्धार के लिए आप सिरोही के दरबार साहब से भी मिले, तो आपकी अभी क्या योजना है? मैं पिछले कई महीनों से सिरोही जिले के आराध्य देव श्री भगवान सानेश्वर महादेव के मंदिर का विकास हो, परिसर का विकास हो, सुंदर बने, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनी है, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर कॉरिडोर बना है, जैसे केदारनाथ का विकास हो रहा है, जैसे सुंदा माता का विकास हो रहा है, जैसे अंबाजी भगवान का विकास हो रहा है, उसी धरती पर तर्ज पर सानेश्वर मंदिर का भी विकास हो और सानेश्वर कॉरिडोर बने, ऐसी भावना है। और इस निमित्त में आज सिरोही महाराजा साहब से मिला, हम सुरेश जी साथ में थे, अशोक जी साथ में थे, खंडेलवा जी साथ में थे, और भी कई मित्र साथ में थे, और करीबन पौने दो घंटे तक महाराजा साहब से बात की, रघुवीर सिंह जी साहब से, और उनको पूरा विषय समझाया और उनको जो पत्र भी दिया कि सानेश्वर जी मंदिर का विकास होना चाहिए, जैसा देश भर में नए मंदिरों का विकास हो रहा है, उसी धरती पर सिरोही मंदिर का विकास होना चाहिए, ऐसा एक पत्र भी दरबार साहब को दिया और उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं 36 कौम को साथ में लेकर चलने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझे एक बार नहीं तीन बार अधिकार दिया कि मैं 36 कौम से बात कर सकता हूँ। केंद्र, राज्य और विश्व स्तरीय पर जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो हेरिटेज का काम करती है, जो मंदिर का काम करती है, जो सौंदर्यीकरण का काम करती है, जो दानदाता है, उनसे मैं संपर्क करके एक बैठक बुलाऊँ और वो विषय को दरबार साहब के साथ रखूँ, एक बड़ा आर्किटेक्ट अपॉइंट हो, मास्टर प्लान बने, मास्टर प्लान के बाद बजट बने, बजट के बाद ये पूरे परिसर का, वो तालाब हो, छतरियाँ हो, मंदिर हो, रास्ते हो, नागरिक सुविधा है, महिलाओं के लिए सुविधा हो, पुरुषों के लिए हो, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क हो, सड़कें बने, ऊपर हाईवे जाकर हाईवे को बने, ऐसे तालाब को बोलते हैं, तालाब का विकास हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकर होके सानेश्वर मंदिर राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का एक प्रख्यात स्थान बने और सभी को न्याय मिले, भक्तों को न्याय मिले, दर्शनार्थियों को न्याय मिले, देश विदेश से टूरिस्ट आवे और सानेश्वर जी का नाम पूरे विश्व में हो, जैसा दूसरे देवस्थानों का हो रहा है, ऐसे हमारे सिरोही मंदिर का भी विकास हो, सानेश्वर मंदिर का विकास हो।